हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उत्साह दर्ज और आप देख रहे हैं MGM। आज मैं आप लोगों को अपनी लाइफ की एक दिन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग, एक बोरिंग। मेरे लाइफ में दो पहलू हैं, तो बोरिंग को फेंकते हैं, इंटरेस्टिंग वाली कहानी सुनाते हैं आपको। सो शुरू करते हैं हमारी ये कहानी अपने लल्लों के साथ। हिंदा हिंदा गो चुकी हिंदा। सो ये कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको, वो है 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल में ऐसा क्या हुआ जो इंटरेस्टिंग है, याद कर रहा हूं अभी भी मजा आ रहा है, बहुत मजा आया। सुनाते हैं प्यार से। हमारे मॉन्क्स लाइफ में हम पढ़ाई करते हैं, हम लिखाई करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम कोम करते हैं, तपस्या, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन एक और चीज करते हैं जो हर इंसान करता है अपनी लाइफ में, वो है मजा, जो हम सब लामा लोग ने मिल के किया है, खुशी से किया है। तो ये कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल मॉर्निंग। Everybody ready? How the Josh? How's the Josh? Yes. Hi, Ivan. Hi. How's the Josh? Hi. How's the Josh? जाने के लिए बिल्कुल रेडी। चलो जी बैठिए अब। और थोड़ा सा जानो, थोड़ा सा जानो। ओके। मास्क इज नॉट कंपलसरी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेयरिंग मास्क। इनका बात अलग है। नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, कंपलसरी। सफर शुरू होते ही बैड लक हो गया, गाड़ी का टायर गड्ढे में घुस गया। लेकिन टेंशन वाली इतनी बात नहीं है, क्योंकि हमारे लामा लोग हैं दम वाले, बहुत खाना खाते हैं यार। So, मंजिल जैसे भी हो, सफर में मजा आता है। अगर सफर में दोस्त हो तो सफर में चार चांद लग जाता है। तो मेरा साथी मेरे साथ ना, कटे ना कटे दिन रात ना। तो मेरा साथी मेरे साथ ना, या वो मेरा साथी मेरे साथ ना, कटे ना कटे दिन रात ना। वो मेरा साथी मेरे साथ ना। तो सुन लेना, तू है मेरा रफी, मानो ना मेरे कभी बात हबीब, ओ दिन रात यू ही बे। तो हम क्या करें अब, जाने दो वो बातें कहां, ओ तेरी याद जो बिगाड़े जहां, अब सुना दे पूरी दास्तां। बहुत गए। So, जगह में पहुंच चुके हैं जहां हमें स्विमिंग करना है। तो जगह का नाम पता नहीं, ठीक चल नाम बता, नाम बता चल तू। आई डोंट नो, नाम बता ना। पता नहीं मुझे, सिक्किम का आदमी नहीं है तू? ओके ओके ओके। सो हम जहां गए हैं, इस जगह का नाम है मंगशिला। मेरी बड़ी पुरानी आदत है कि मैं जहां जाता हूं उस जगह के बारे में इतना डिटेल नहीं लेता हूं, वहां पहुंच के डिटेल लेता हूं। तो अंदर जाना, आपको मैंने पहले बताया नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन हमारे मंदिर से मंगशिला पहुंचने तक 1 घंटा का रास्ता है। सो डिटेल दे दे आपको, आगे का आप गूगल कर सकते हैं, मंगशिला सिक्किम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है यार, गूगल का जमाना है। सो जब मैंने एंट्री ली तो दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था कि क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे। दोस्त हैं, प्लान तो चौपट होना ही है, जो सोचा वो हुआ नहीं, जो नहीं सोचा वो बोध किया।
लगता है कि हमारे इलाके का भूख हुआ है, कोई नहीं है, हम लामा लोगों को छोड़ के कपड़ा खोलते हैं। अपने इस मॉन्क्स लाइफ में मैंने काफ़ी मज़े किए हैं, लेकिन इस बार जो मज़ा किया था ना, मैंने पहले कभी नहीं किया। पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना। अभी तो मजा शुरू हुआ है। सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना। ओ तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज। So, खाना खाने का टाइम, लंच ब्रेक, और जब आप सुबह चाय अकेला पी के निकलो और इतना पानी खेलो तो आपके पेट में ना इतनी खाली जगह होती है ना कि आप पूरा समुंदर समा सकते हो, नहीं पूरा हाथी खा। वेज 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 डालो मारो यार। सो खाना जो था वो काफ़ी लजीज था, हमारे दोस्तों ने बनाया है। हमारे दोस्तों के हाथ में जादू है, हमारे लामा लोगों के हाथ में जादू है, मेरे हाथ में भी है, किसी दिन खिलाएंगे। खाना काफ़ी टेस्टी बना है। अंडा अंडा में से ये मतलब कि शामे के लिए था जो वेस्ट था, लेकिन मैंने भी ले लिया। अब क्या करना, अब क्या बोले ना। और जगह ऐसा है कि क्या बताएं, इस नज़ारे के साथ ये खाना तो छुपा करते हैं। सो खाना खाने के बाद खपतू सीधा पानी में नहीं घुसना चाहिए ना, पेट गुड़ू गुड़ू होता है। तो मैं और मेरा दोस्त थोड़ा सा आराम किया ना उसी झूले पे मजे से। सो जब आराम हो गया तो वापिस पानी में डुबकी लगाया, बहुत डुबकी लगाया। कुछ 3:30 बजे तक बैठे थे हम उधर, तो 3:30 तक मजा किया। उसके बाद जाने का वक्त सबसे दुखी वक्त, सोच के भी बुरा लग रहा है अभी भी। मन तो ये था कि पूरा जिंदगी वहीं बैठूं, क्या बोल रहा हूँ। इसी के साथ होता है दिन खत्म हो रहा हमारा, छुट्टी भी खत्म, घर की तरफ जाते हुए। बाय बाय, थोड़ा आगे जाना। तुम्हें कैसे बैठू फिर? मैं निकल देखा। देख छोड़ दे ना, नहीं बस ही मारे। और हाँ गाइस, थोड़ा अपने इस व्लॉग में मैं धर्म की बातें भी करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं कभी कभी कुछ ना कुछ तो गलत बोल दूंगा ना, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। थोड़ा ऐसा सीन है कि गाइस, मुझे ना सिर्फ अच्छा सुनने का आदत है, ऐसा हो गया था मेरे पहले ना, तो बुरा बोल सकते हो आप। मैं बिल्कुल बुरा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बुरा बोलो, मैं मतलब कि बुरा को भी अच्छे ढंग से दूंगा आज से। मैं लेता नहीं हूँ ना यार, ये मेरी प्रॉब्लम है। बोलने वाले बोलेंगे बुरी बातें तोलेंगे नहीं। अब मैंने ये डायलॉग बोला था ना, अब इस डायलॉग में मेरी भी गलती है, मैं आपको बताता हूँ क्या गलती है। तो बोलने वाले बोलेंगे बुरी बातें तोलेंगे, क्योंकि बुरी बातें ही तो तोलने चाहिए। अगर आपका बुरी बातें नहीं तोलेगा तो वो जो बुरा चीज़ है वो अच्छा कैसे बनेगा। तो अभी अपने आप को ही डिस कर रहा हूँ। अच्छी बातें छोड़ो, तुम हो गए अच्छी बातें गुम। ये मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना, बातें गुम अच्छी बातें गुम हो गई। लोग बुरा तो देखते हैं आपका, लेकिन फिर भी अगर कुछ ज़्यादा ही वो हो गया ना तो अवॉइड करना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा करने अब आज से मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा आज से ना, मतलब कि कुछ भी गलत नहीं करूँगा अपने व्लॉग में। मुझे पता है मैं कभी कभी गलत करता हूँ, लेकिन दोस्त लोग बोलते हैं मैं, पर उनको यह मैं करता हूँ, मतलब कि अवॉइड करता हूँ, लेकिन फिर भी गलत करता हूँ, मेरे को पता है। सो आज से ना मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि व्लॉग में कुछ गलत ना करूँ। और अभी जो आपने अपना हमारा मज़ा देखा वीडियो, तो वो तो बस मेमोरी के लिए था गाइस। तो इससे बुरा मत मानना प्लीज़ गाइस, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बुरा मत मानिएगा प्लीज़। अब फ्यूचर में बाद में ये ऐसा वीडियो देखेंगे तो याद आएगा ना, मेरे दोस्तों को भी याद आएगा कि ऐसा ऐसा मजा किया हमने ये किया, हमने वो किया। तो जो ये व्लॉग है ना, वही मेरी डायरी है। मैं अपनी लाइफ को इस व्लॉग में उतार रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ और खुद के लिए भी रख रहा हूँ, ताकि मैं याद कर सकूँ कि मैंने क्या किया और किस तरह से किया। और मैं व्लॉग बनाना छोड़ना नहीं चाहता,
बहुत अच्छा लगता है व्लॉग बनाना, अभी कैमरा में से बात करना, मेरा ये सीन है ना गाइस की कॉन्फिडेंस, दूसरों के सामने बात करने में डरता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्यों सोचता है, ऐसा दिमाग में बहुत आता है, पर जब मैं ब्लॉग करता हूँ ना बिल्कुल नहीं आता, आगे कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस बोल देता हूँ, मतलब कि खुशी मिलती है ब्लॉग बनाने में, जब मैं एडिटिंग कर ले बैठता हूँ अपने वीडियो को एडिट करता हूँ उससे भी काफ़ी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि मैं इस अपने गाने का हीरो हूँ। पहले मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया कि अपने गाने का मैं हीरो हूँ, मैंने कभी भी फील नहीं किया, मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि मैं बहुत वो हूँ, मैं ये हूँ, मतलब कि भाग्य नहीं बोल रहा हूँ, बस अपने आप को खुशी मिलती है आजकल, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया नहीं जिससे मुझे खुशी मिले, तो ये फर्स्ट चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिल रही है ब्लॉगिंग, अपने आप को दिखाना आप लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ किस तरह से कर रहा हूँ, बहुत कुछ बोल रहा हूँ गाइस, बोलने के लिए तो बहुत है मन में पर अब ज़्यादा नहीं बोलते ना। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बुरा लगा तो फिर से सॉरी, प्लीज़ सॉरी दिल से सॉरी, मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, और मेरे एक और दोस्त है वो धुंदम पुरानी बात है, दोस्त है अभी भी, नो प्रॉब्लम, और सॉरी मैंने तेरे को जो जो बुरा कहा था, गुस्सा आ गया था ना, नहीं अब सेट है, सब सेट है, सॉरी, तू दोस्त मैं दोस्त, बुरी बातें साइड में, हाँ तो अब हाँ तो नहीं भटकना ज़्यादा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में, जेसू थुगो यो।